अगर स्पोर्ट्स बाइक काफ़ी कम कीमत में मिले तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग स्पोर्ट्स बाइक खरीदना पसंद करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कावासाकी निंजा के बारे में। अभी तक आप लोगों ने निंजा 300 के बारे में देखा और सुना। ये बाइक लगभग 3,50,000 या 3,60,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में आती है, जिससे कई लोगों को ये महंगी भी लगती है और बहुत से लोगों के शौक नहीं पूरे होने पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में निंजा 125 के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल चौंके नहीं, क्योंकि इससे पहले आप लोग RC 125, ड्यूक 125 या MT 50 के बारे में आप लोग जान चुके हैं। इससे बहुत सारी कंपनियां अपनी बड़ी बाइकों को, अपनी प्रीमियम सेगमेंट की बाइकों को कम कीमत में लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत से लोग खरीद सकें और उनकी सेल्स भी बढ़ सके। तो अब आप इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले हम निंजा 125 के लुक और डिजाइन की बात करते हैं। तो आप फ्रंट से देखेंगे इस बाइक को, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंगल हेडलैम्प ही मिलते हैं, जबकि निंजा 300 में आपको ड्यूल हेडलैम्प मिलते हैं। अब यह कम कीमत की बाइक है, इसमें सिंगल हेडलैम्प मिल रहे हैं, लेकिन देखने में यह बाइक काफी अच्छी है। यह फुली फेयरिंग वाली बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में यह भी बाइक आएगी, जिससे ये बाइक आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है। आप चाहे इसको साइड से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, बिल्कुल ये निंजा लगेगी, तो आपकी शौक इसमें पूरे हो सकते हैं। अब आप लोगों को कैसी लग रहा है इसका लुक, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो लुक तो इसका काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। निंजा 125 के इंजन की बात की जाए तो इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया है, इसमें आपको ड्यूल सिलेंडर इंजन नहीं मिलता है। और इसमें मैक्सिमम पावर है 15 हॉर्स पावर की 10,000 आरपीएम पर, और इसकी टॉर्क है 11.7 न्यूटन मीटर की 7700 आरपीएम पर। इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं। निंजा 125 में आगे 290 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे भी 220 mm की डिस्क ब्रेक ड्यूल चैनल ABS के साथ आपको मिलती है। 37 mm के इसमें आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगाए गए हैं और पीछे इसमें आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है। और दोस्तों, कावासाकी निंजा के साथ साथ Z125 भी आएगी। ये भी 125 सीसी की बाइक होगी और ये नेकेड बाइक होगी। जैसा कि आपने RC 125 देखा जो कि फेयरिंग वाली बाइक है, फिर आपने Duke 125 देखा जो कि नेकेड बाइक है, तो उसी हिसाब से कावासाकी की भी दो बाइकें आएंगी 125 सीसी में। अब इनमें सिंगल सिलेंडर इंजन लगा रहेगा, जैसा कि आपने निंजा 300 में देखा वहां पर ड्यूल सिलेंडर इंजन लगा है, तो उसमें काफ़ी पावर भी मिलती है और काफ़ी महंगी है, इसलिए इसमें प्राइस कम करने के लिए और इनकी जो पावर कम की गई है इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, लेकिन आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लगभग आपको 120 की टॉप स्पीड मिल जाएगी 125 सीसी बाइक में, तो ये लगभग जो पल्सर अपाचे हैं इनको काफ़ी कड़ी टक्कर दे सकती हैं ये बाइकें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी प्राइस क्या होगी, तो मैं आपको निंजा 125 की प्राइस बता देता हूँ। लगभग इसकी एक्सोरूम प्राइस जब ये इंडिया में आएंगी तो 1,50,000 से 1,60,000 रुपये हो सकती है, तो इससे ये लगभग ऑन रोड प्राइस इसकी 2,10,000 रुपये हो सकती है। तो ये काफ़ी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगी रहेगी, लेकिन जो लोग निंजा का ही शौक रखते हैं, जैसे कुछ लोगों को निंजा के नाम से ही बाइकें चाहिए, एक ब्रांड चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी ये खुशखबरी साबित हो सकती है। वहीं नेकेड बाइक जो रहेगी उसकी प्राइस थोड़ी सी कम रहेगी, वो 1,80,000 तक आ सकती है, तो इससे बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं रहेंगी। फिलहाल जैसे कि आपने R15 वर्जन 3 को देखा, वो लगभग 1,77,000 रुपये तक आपको मिलती है, और ये आपको लगभग 2,10,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि ये कावासाकी का ब्रांड रहेगा। तो कुल मिला के जब ये बाइकें आएंगी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भारत में कब आएंगी, तो दोस्तों अभी ये फिलहाल नहीं आ रही हैं, ये लगभग 2020 लास्ट तक आ सकती हैं या 2020 में आ सकती हैं। कावासाकी वाले सबसे पहले फ्यूचर देखेंगे, जैसे कि RC 125 या MT 15, इन सभी के सेल्स रिपोर्ट को देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये लॉन्च करना चाहिए, जिससे उनकी भी बाइकें भारत में ज़्यादा बिकें, क्योंकि उनके शोरूम पर अभी जैसे कि कम सेगमेंट की बाइकें नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो वो लोग भी सोचेंगे कि इनकी भी बिक्री बढ़े, तो इसलिए वो ला सकते हैं 2020 तक। तो अगर आप एक साल के बाद बाइक लेने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। हो सकता है आपको ये बाइक मिल जाए, आप कम कीमत में एक स्पोर्ट्स बाइक को भी कावासाकी ब्रांड का खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोगों को निंजा 125 या Z125 का लुक कैसा लगा, क्या आपको ये बाइकें पसंद हैं, क्या आप इनको खरीदेंगे, या आप लोगों को अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधी जानकारी लेके आते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।